छत्तीसगढ़ के एक बड़े अभियान और देशव्यापी अभियान का हिस्सा सदस्यता महाभियान और सदस्यता पर्व जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आज एक बड़ी बैठक है। और इस बैठक में इस अभियान के प्रभारी संतोष जी भी उपस्थित हैं, अनुराग जी, और हम सब मिलके पूरे राजनांदगांव के 6 विधानसभाओं में बूथ स्तर तक कैसे सदस्य संख्या बढ़ाना है, और सदस्य संख्या बढ़ाने के साथ साथ इस बार दोनों प्रकार से सदस्यता कर रहे हैं, मैनुअल भी कर रहे हैं और फोन के माध्यम से मिस कॉल के माध्यम से करते हैं। और पहली बार होगा कि मिस कॉल करने के बाद इन सारे सदस्यता का सत्यापन पूरी तरीके से किया जाएगा, ताकि हम बूथ स्तर में उसके लिए डाटाबेस बना सके, बूथ स्तर में सूची तैयार हो जाए, ताकि और आने वाले समय में ये हमारी सदस्य संख्या जो आज वर्तमान सदस्य संख्या उसे 30% एक्स्ट्रा हम बनाने के प्रयास में रहेंगे, कि कम से कम 30% मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। नए युवा मतदाता को शामिल करेंगे, महिला मतदाता करेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे और वर्गों को जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य। डॉक्टर साहब, भूपेश बघेल सरकार कह रही है शराबबंदी की बात कर रही है, लेकिन राजनांदगांव में एक और प्रीमियम शॉप खोल दी गई शराब के, शहर के बीच में गली गली में गांव-गांव में शराब की नए नए दुकानें खुली जा रही है, कोचियाओं के द्वारा घर पहुँच सेवा हो रहा है। और जिस प्रकार से जिस नारे को लेकर इन्होंने चुनाव जीता था, उसके सबसे बड़ा आक्रोश महिलाओं में है कि उन्होंने अपने वादे के खिलाफ किया है, और राजनांदगांव से पूरा प्रदेश त्रस्त है। डॉक्टर साहब।